हेलो 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 फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मेरे अपने मेकअप DIY में पार्लर सीक्रेट दिखाना चाहूँगी बना करके। वो आप ध्यान से देखिए, यह पार्लर सीक्रेट हमें ब्राइडल मेकअप पार्टी मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह स्पेशल एकदम ब्राइट स्किन और डार्क स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए हमें चाहिए मॉइस्चराइज़र या इसके अलावा बॉडी लोशन भी आप ले सकते हो, कोई भी एम्प्टी कंटेनर चाहिए ताकि आप इसमें भर के रख सकें। साथ में मैं लूँगी इसमें कॉफ़ी पाउडर, कस्तूरी हल्दी, ये देखिए मेरी कस्तूरी हल्दी। अब मैं इसमें लूँगी कॉफ़ी पाउडर। अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल हो तो उसकी एक ही कैप्सूल आप यूज़ कीजिएगा इसमें कट करके। अगर नहीं है तो आप दो चार ड्रॉप बादाम ऑयल की भी ऐड कर सकते हो। साथ में कलर करेक्शन के लिए हम लेंगे मैट आई शेडो पैलेट में से कुछ कलर्स इसमें ऐड करेंगे, और कवरेज के लिए फाउंडेशन। याद रहे, ये जो मेकअप बेस हम बना रहे हैं, ये हम सबसे पहले फेस को प्राइमर लगा लेंगे मेकअप से पहले, मगर प्राइमर के साथ आप मिक्स करोगे ज़रा सा सनस्क्रीन लोशन आप ऐड करके प्राइमर लगाओगे। उसके बाद ही, उसके 2 से 3 मिनट बाद ही आप ये ज़ीरो नंबर बेस, इसे कहा जाता है, इसे पार्लर ज़ीरो नंबर सीक्रेट बेस कहा जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्राइमर और सनस्क्रीन के बाद ही आप इसको फेस पर लगाओगे, और इसको लगाने के 5 मिनट बाद ही आप अपना फाउंडेशन, बेबी क्रीम, सीसी क्रीम, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो लगाइए कवरेज के लिए। उसके अंदर चाहे तो आप एल्यूमिनेटर ऐड कीजिए, मगर ये बेस में ना कीजिए। क्योंकि ऊपर से अगर सिर्फ आप पतला कोई बेस लगाओगे तो वो फटाफटा लग जाएगा, क्योंकि वो बेस भी किस तरह से लगाना है बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो बेस फट जाती है, केकी हो जाती है, वैसे हमें नहीं करना है। देखिए मैं सारी ये इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ एक बाउल लेकर। यह मैं फ़िलहाल कम क्वांटिटी में बना रही हूँ अपने लिए। ये कलर करेक्शन ज़रा डार्क कलर में होता है, येलो या पिंक कलर में आ जाता है। पिंक ब्राइट स्किन के लिए होता है, येलो डार्क स्किन के लिए होता है। इसके याद रहे, इसके 5 मिनट बाद ही हमें अपना फाउंडेशन या मेकअप बेस लगाना है, उसे 1 नंबर या 2 नंबर मेकअप बेस कहते हैं। अब मैं इसमें कलर करेक्शन के लिए ये कलर ऐड कर रही हूँ। देखिए आप कितना अच्छा बनेगा। ये स्किन में सेट होने के लिए हमें 5 मिनट रहने देना पड़ता है लगाने के बाद। ये वेट स्पंज से ही लगाइए। अगर ये आपके हाथों से ज़्यादा थिक हो जाए तो आप इसमें हल्का सा बादाम का ऑयल लेकर के 2-3 ड्रॉप फिर अप्लाई कीजिए अपने फेस पर। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगा वेट स्पंज से, और पतला ही लगाइएगा। ये बहुत ही पिगमेंटेड बन जाता, दूसरा कुछ इसको लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, और जितना पिगमेंट देगा उतना काफ़ी हो जाएगा। एक बार इसे आप बना करके रखिए या ट्राई कीजिए बना करके, आप ज़रूर ज़रूर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा पाओगे। देखो मैं कितना अच्छा कलर ले आई। ये मैं मेरा ज़रा सा न ब्राइट स्किन है न ज़्यादा ओवर डार्क स्किन है, इसलिए ये मैं अपने फेस के हिसाब से बना कर ले रही हूँ। देखिए आप इसको, इसका कलर देखिए। ये नो मेकअप लुक में भी बहुत ज़्यादा, अगर ऐसे ही लगा लिए तो भी चल जाएगा, कामयाब हो जाता है ये बेस, मगर नहीं, मुझे इसे ज़रा ठीक करना है मेकअप के हिसाब से। तो मैं इसमें ऐड करूँगी फाउंडेशन और टैल्कम पाउडर। चाहे आपके पास कोई भी टैल्कम पाउडर हो अच्छे कंपनी वाली, आप वो ऐड कीजिए। अदरवाइज़ आप इसमें लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर भी डाल सकते हो। इतना ध्यान रहे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये हमारी DIY क्रीम पार्लर में ज़्यादा फेयर से ज़्यादा डार्क टोन्स वाली स्किन को यूज़ की जाती है। अब देखिए आप इसका रिज़ल्ट बहुत आपको अच्छा लगेगा। इसमें आप प्राइमर भी ऐड कर सकते हो इसी बेस में, और सनस्क्रीन भी ऐड कर सकते हो, मगर मैं वक्त पर ही लगा लेती हूँ। इस मिक्सचर को हम फ्रीज में भी 8 दिनों तक रख सकते हैं। अगर इसमें एलोवेरा जेल है तो रख सकते हैं, ज़रूर रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ बाहर भी रख सकते हो। मगर इसमें कस्तूरी हल्दी है तो आप फ्रीज में रखोगे तो बहुत बेस्ट होगा रिज़ल्ट 8 दिनों बाद भी इसका, नहीं तो हमारा मिक्सचर ख़राब होने का हमें डर लगा रहेगा। क्लाइंट का स्किन कलर देख कर ही आप इसमें कलर और कम ज़्यादा इसमें कर सकते हो। ये 0 नंबर बेस ब्राइडल स्किन के लिए स्पेशली यूज़ होती है पार्लरों में। देखिए आप, इतना अच्छा मिक्सचर हो रहा है।
अभी मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। ये आप इसी तरह से पूरे फेस पर लगाइएगा ईयरबड से, और बाद में इसको वेट स्पंज से स्प्रेड कर दीजिएगा। देखिए ये कलर पकड़ चुका है, देखो मेरे हैंड्स पर, दोनों हैंड्स का डिफरेंस। इसे हम ऐसे ही 5 मिनट स्किन पर सेट होने के बाद में फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। बहुत लोगों को ठीक से अप्लाई करते नहीं आता, इसीलिए मैं एल्यूमिनेटर की सलाह देती ही नहीं हूँ इसमें ऐड करने की, ऑयल की सलाह देती हूँ। मुझे ज़रा सा थिक चाहिए था इसलिए मैंने इसमें और ज़्यादा टैल्कम पाउडर ऐड की। मेरे वीडियोस में आप वॉइस एडिटिंग पर ना जाए, मुझे इतना प्रैक्टिस नहीं है वॉइस एडिटिंग करने का, तो कभी कभी ठीक से एडिट नहीं हो पाती है मेरी वीडियोस। इस तरह से आप अपने किसी अच्छे से साफ़ सुथरे कंटेनर में बनाकर रखिए, आपको यहाँ पर ज़रूर फ़र्क दिखेगा। देखिए आ गया ना कलर, क्योंकि अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है हमारा बेस। अब इस पर हम पार्टी मेकअप बेस अप्लाई कर सकते हैं, और मैं आपको 2-3 जगह इस तरह से ट्राई करके दिखाती हूँ, आपको फ़र्क समझ में आएगा। मैं मिडल फिंगर पर आपको इसे ट्राई करके दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। दोनों फिंगर के बीच के फिंगर को येलो टर्न मिला है ना। इस तरह से आप बना करके रखिए और यूज़ कीजिए अपने पार्लरों में, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डार्क स्किन कलर वालों के लिए तो स्पेशली आप बना करके ही रखिए, शादी सीज़न चल रहे हैं, क्लाइंट को बहुत ज़रूरत पड़ती है इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल की। तो हाँ, नेक्स्ट टैक में मैं आपको दिखाऊंगी, जो हम हाइलाइटर लगाते हैं वो इस तरह से पाउडर ही होता है, मगर मेरे हिसाब से आप अगर लगाओगे तो ये बिल्कुल पाउडर ऐसा नहीं लगेगा और पिगमेंटेड लगेगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसलिए देखिए मैं इस तरह से हाइलाइटर अपना इस्तेमाल करती हूँ। देखो पहले मैं आपको बताती हूँ लगा करके, देखो पाउडर ही एक साइड लगा था और दूसरी साइड मैंने बनाया हुआ हाइलाइटर लगाया, और एक बार इसी पर पाउडर ही लगाया। एक्चुअली मैं फेस पर लूज़ पाउडर, आई शेडो, ये वो सारी चीज़ें लगाते लगाते काफ़ी फेस पाउडर ऐसा हो जाता है तो, और पिगमेंट भी नहीं दिखा पाता। तो बेटर आप इस तरह से अगर आप हाइलाइटर बना करके लगाओगे या कंटेनर में बना करके रखोगे तो इमरजेंसी में आपको काम आएगा। इसी तरह मैं सारे ऐसे मेरे DIYs बना करके रखती हूँ। देखो मैंने ये आईब्रो जेल भी बनाया हुआ था, देखो ये ज़रा भी स्मज नहीं हो रहा है। ये देखिए मैं वापस आपको ट्राई करके बताती हूँ, देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसे। आप इस तरह से बना करके रखिए, या हाइलाइटर भी इसी तरह से बना करके रखिए, आपको इमरजेंसी में। तो इस तरह का हाइलाइटर लगाने के लिए मैं फेस सीरम लेती हूँ या फेस ऑयल लेती हूँ, इसके 2 से 3 ड्रॉप हाइलाइटर में डालती हूँ। मैंने इसमें डिश में ज़रा सा हाइलाइटर लिया है, देखिए आप मैं इसमें 2 ड्रॉप ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करके अगर हम लगाएंगे तो बहुत अच्छा पिगमेंटेशन हमें दिखाई देगा अपने फेस पर। अगर आपके पास फेस सीरम नहीं है या फेस ऑयल नहीं है तो आप इसमें रोज़ वाटर की 2 ड्रॉप ऐड कर सकते हो या एलोवेरा जेल के ऐड कर सकते हो, मगर हल्की सी उसकी कंसिस्टेंसी वेटी हो जाए तो आपको पिगमेंटेशन अच्छी मिलेगी। मगर अगर फेस सीरम आप उसमें ऐड करते हो तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनेगा और पिगमेंटेड भी और शाइनी भी बन जाएगा। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं बनाना सिखाऊंगी आईब्रो जेल। आईब्रो जेल के लिए हमेशा ये एम्प्टी कंटेनर, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी पैकेट से लेकर ज़रा सी कॉफ़ी, और साथ में मैं ऐड करूँगी हल्का सा इसमें मॉइस्चराइज़र। ये बहुत अच्छा बनता है, मैंने आपको इसका रिज़ल्ट दिखाया था मेरे हैंड पर, आप देखते चलिए। आप अगर इस तरह से बनाओगे अपने घर पर DIY मेकअप प्रोडक्ट तो आपको बाहर से मार्केट से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने इसमें मॉइस्चराइज़र ऐड किया, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। ज़रा सा इसमें टैल्कम पाउडर ऐड करूँगी, कलर करेक्शन के लिए और ज़्यादा डार्क चाहिए तो मैं इसमें मैट आई शेडो पैलेट से लेकर डार्क ब्राउन आई शेडो इसमें ऐड करूँगी। साथ ही में इसको अच्छा टेक्सचर मिले और पिगमेंटेड बने, इसलिए इसका ये कलर कवरेज अच्छा मिले, इसलिए मैं इसमें फाउंडेशन ज़रा सा ऐड करूँगी। देखिए अब मैंने इसमें ब्राउन आई शेडो ऐड किया है, अच्छे से मिक्स करूँगी। ध्यान रहे कॉफ़ी पाउडर के कोई दाने इसमें दरदरे ना रह जाए। अगर आपको काउंटरिंग के लिए कलर करेक्शन का चाहिए तो आप डायरेक्ट इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। देखिए ये बहुत अच्छा बन जाएगा काउंटरिंग के लिए, मगर हमें इसे ठीक करना है, ये काफ़ी लूज़ है कंसिस्टेंसी में। मैंने इसमें ज़रा सा टैल्कम पाउडर ऐड किया
और कॉफ़ी और ऐड की। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह। मैं इसमें फाउंडेशन ऐड ना करते अभी जो मैंने 0 नंबर बेस आपके सामने बनाया था वही मैं इसमें ऐड करके इसको मिक्स करके आपको दिखाऊंगी। अगर आप इसे वाटरप्रूफ बनाना चाहें तो बीन वैक्स आप ज़रा से लेकर के इसमें ऐड करिए, मगर नहीं भी ऐड किया तो भी ये बाहर से लाए हुए आईब्रो जेल से कम नहीं, ये उसी की तरह बहुत अच्छा बना है। सिर्फ समर सीज़न में आप इसे केयरफुली यूज़ करोगे, ज़्यादा अप्लाई ना करें। ये सारे प्रोडक्ट अगर आप नो मेकअप में यूज़ करते हो, नो मेकअप लुक में, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। देखो ये मैं आपको लगा करके दिखा रही हूँ कितना प्यारा कलर आया है और बहुत अच्छी तरह से लग रहा है। अगर ये ज़्यादा ठीक हो जाए तो आप इसमें 2 से 3 ड्रॉप बादाम ऑयल की ऐड कर सकते हो, और अगर ज़्यादा लूज़ हो जाए तो टेलकम पाउडर या लूज़ कोई भी मेकअप पाउडर इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसे अप्लाई कर सकते हो। मैं ईयरबड के दूसरे साइड से आपको लगा करके दिखाऊंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, आप देखो इसे, और 5 मिनट बाद ये ज़रा भी नहीं हटेगा, अच्छी तरह से सूख जाएगा और सेट हो जाएगा आपके आईब्रोज़ पर। आप ये ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए। मैं इसी तरह से इस कंटेनरों में बना करके रखती हूँ, जब मुझे इमरजेंसी में लगे तो मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। अगर आपको